हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल शिक्षा गाइज एग्रीकल्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं ठीक है आई बी पी एस सी एफ ओ में का जो अभी मेन्स का एग्जाम हुआ था दो हज़ार बाईस के अंदर जनवरी में उसको बेसिकली अभी डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ एंड फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ दिस विल बी द सेकेंड लेक्चर टेलीग्राम पर आपको पी डी एफ जो है वो अवेलेबल हो जाएगी सो लेटस्ट क्विकली स्टार्ट एंड गईज चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे सो so, ये था बेटा आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन एंड दिस इज रिलेटेड टू अ डिजीज कॉल्ड एक डिजीज जो राइस के अंदर बेसिकली देखने को मिलता है एंड इट इज कॉज ड्यू टू द टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय किस पर्टिकुलर कंपाउंड के जहरीले या टॉक्सिक कंपाउंड्स की वजह से आ, आपका ये जो डिजीज प्रॉब्लम है आपको देखने को मिलता है एक्योशी डिजीज राइस के अंदर तो ऑप्शन ए जिंक बी आयरन सी फॉस्फोरस डी हाइड्रोजन सल्फाइड या ई e, कॉपर इनमें से कौन सा कंपाउंड देखो क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पेपर के अंदर पूछा जा सकता है ये तो चलो उसने 2022 में पूछ लिया दूसरे तरीके से वो क्वेश्चन इस तरह uh, ऐसे भी पूछ सकता था कि ये जो पर्टिकुलर डिजीज है ये आपको कौन सी क्रॉप के अंदर देखने को मिलता है ठीक है नीचे ऑप्शन दे देता राइस वीट शुगर केन ठीक है rice, wheat, उसके बाद कोई भी क्रॉप ले लो यहाँ पर बनाना नन ऑफ दी अबव तो इस तरीके से भी वो आपका क्वेश्चन जो है वो फ्रेम कर सकता था ठीक है सो द राइट आंसर ओवर हेयर विल बी ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड एच टू एस की टॉक्सिसिटी की वजह से डिजीज जो है राइस के अंदर देखा जाता है बेटा ठीक है uh, इसको हाइड्रोजन सल्फाइड टॉक्सिसिटी भी इसीलिए बोलते हैं एंड इसके अंदर बेसिकली क्या होता है जो क्राउन होता है ना राइस का वो काला पड़ना शुरू हो जाता है और जो जड़े होती हैं जो रूट होती हैं उनके अंदर भी रॉटिंग की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है तो बेसिकली ये इसके सिम्टम्स होते हैं क्स्ट द डैश टेस्ट इज डन टू आइडेंटिफाई इनकम्प्लीट पेस्टराइजेशन ऑफ मिल्क इनमें से कौन सा टेस्ट कंडक्ट किया जाता है ये चेक करने के लिए कि मिल्क जो है उसका कंप्लीट पेस्टुराइजेशन नहीं हुआ है ठीक है यानी कि पेस्चुराइजेशन जो है वो अभी इनकम्प्लीट है कौन सा टेस्ट किया जाता है ऑप्शन ए अल्कलाइन बी एम बी ई सी एल्कोहल डी सीओ टेस्ट या ई इन ऑफ दब सिंपल क्वेश्चन है अगर पढ़ा हुआ हो अगर नहीं पढ़ा हुआ फिर तो बेटा कुछ भी सिंपल नहीं होता फिर तो सब कुछ डिफिकल्टी होता है सो so, यहां पर आपका क्या सही है? जवाब हो जाएगा द राइट आंसर ओवर हेयर इज ऑप्शन ए अल्कलाइन टेस्ट ओके एल्कालाइन टेस्ट बेटा कंडक्ट किया जाता है इनकम्प्लीट uh, पैस्चुराइजेशन को करने के लिए बेसिकली इस टेस्ट के अंदर क्या होता है एल्कालाइन फॉस्फेट बेसिकली एक एंजाइम होता है जो मिल्क के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होता है ठीक है लेकिन जब आप uh, पेशचराइजेशन के अंदर टेम्परेचर पे हीटिंग करते हो तो ये एल्कलाइन फॉस्फेट जो है जो ये एंजाइम है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है पेस्चराइजेशन टेम्परेचर के ऊपर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है अब टेस्ट जब आप करोगे तो आपको एल्काइन टेस्ट में पता चल जाएगा कि यार अभी प्रेजेंट है तो बेसिकली एल्लाइनफेट अगर दूध के अंदर प्रेजेंट है तो उसका क्या मतलब हुआ क्योंकि पेस्चराइजेशन के टेम्परेचर पे तो वो डिस्ट्रॉय हो रहा है लेकिन अगर अभी भी मिल्क में प्रेजेंट है तो डेफिनेटली या तो पेस्टराइजेशन इनकम्प्लीट हुआ है, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ या फिर ऐसा हो सकता है कि जो आप का पेस्चराइज मिल्क है जिस मिल्क को आप ऑलरेडी पेस्टराइजेशन कर चुके हो उस मिल्क के अंदर किसी ने रॉ मिल्क ऐड कर दिया है ठीक है जो अनपेस्टर्ड मिल्क है उसको ऐड कर दिया है जिसकी वजह से अब इसके अंदर भी एल्कालाइन फॉस्फेट की प्रेजेंस आ चुकी है तो एल्कालाइन टेस्ट है आपके एल्कालाइन फॉस्फेट का पता चलता है अब देखो, दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता था that which which among the the following compound is is naturally present in milk but is destroyed at temperature temperature near to the pasteurization सिर्फ ये लेकर के मत चलो कि यार ये क्वेश्चन कर लिया अच्छा इसका ये आंसर था चलो जी चलो काम खत्म नहीं उसमें उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है क्योंकि उसी नॉलेज में से अगले साल दोबारा क्वेश्चन पूछा जाएगा चलिए नो लीफ कर्ल डिजीज ऑफ चिली इज कॉज बाय वायरस एंड इट इज ट्रांसमिटेड बाय लीफ कर्ल डिजीज ऑफ चिली ये कौन से ये एक वायरल इंफेक्शन है ये आपको बताया हुआ है इसको ट्रांसमिट कौन करता है ठीक है जी वायरल इन्फेक्शन है अच्छा अब देखो दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता था कि यार जो लीव कल डिजीज है ठीक है लीव कल डिजीज जो होता है चिलीज के अंदर ये वायरल है ये बैक्टीरियल है ये प्रोटोजोआ है ये नेमाटोड इन्फेक्शन है ये फंगस इंफेक्शन है कौन सा टाइप का इन्फेक्शन है ठीक है तो आप क्या कह देते हैं कि वायरल इन्फेक्शन है ट्रांसमिट कौन करता है इसको तो यहां पर आंसर क्या होगा ऑप्शन बी व्हाइट फ्लाई व्हाइट फ्लाई ट्रांसमिट करता है ठीक है जी सो लीव कर्ल लीव्स कर्ल मिड रिप एंड बिकम डीफॉर्म बेसिकली जो आपकी लीव्स होती हैं, वो ऐसे बीच में से मुड़नी शुरू हो जाएंगी ठीक है कर्ल्स ही हो जाएंगी और डिफॉर्मिटी उसके अंदर देखने को मिलेगी प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है प्लांट की हाइट छोटी रह जाएगी इंटरनोड्स की हाइट छोटी रह जाएगी लीव्स की हाइट छोटी रह जाएगी ठीक है जी फ्लावर बड जो है वो भी सड़ जाएंगे पूरा साइज अटेन करने से पहले एंड भी उसके अंदर नहीं होंगे और वायरस जनरली कौन ट्रांसमिट करता है फ्लाई ट्रांसमिट करता है तो अगर आप वायरस से अपने क्रॉप को बचाना चाहते हो तो अल्टीमेटली आपको व्हाइट फ्लाई को भी कंट्रोल करना पड़ेगा ठीक है चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ व्हाट आर द डायग्नोस्टिक सिम्टम्स ऑफ इन्फेस्टेशन ऑफ स्टेम बोरर ऑफ मेज स्टेम बोरर ऑफ मेज के सिम्टम्स क्या हैं आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ यार आपके मेज के ऊपर स्टेम बोरर अटैक हो गया ऑप्शन ए ये बेटा एक पेस्ट अटैक है ठीक है कैटरपिलर जो है वो फीड करेगा लीव्स के ऊपर और स्टेम uh, और कॉब के अंदर बेसिकली बोरिंग होल करना शुरू कर देगा बी कहता है एडल्ट और निम्फ जो है वो क्रॉप के ऊपर फीड करेंगे और लीव्स को डैमेज कर देंगे सी कहता है कैटरपिलर फीड करेंगे लीव्स के ऊपर जिसकी वजह से लीफ कर्ल की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और आपका क्रॉप डैमेज हो जाएगा चौथा कहता है पिलर जो है है वो लीव्स लीव्स के के ऊपर ऊपर फीड करेंगे एंड स्पॉट्स डेवलप होंगे ठीक काले धब्बे डेवलप हो जाएंगे ऑप्शन ई कहता है ऑफ नीस ठीक है जी सो द राइट आंसर ओवर हेयर इज ऑप्शन ए कैटरपिलर आपका लीव्स के ऊपर फीड करेगा एंड वो धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देंगे होल्स करना शुरू कर देंगे अंदर एक तरह से सुरंग बनाना शुरू कर देते हैं टू रीच द स्टेम एंड द कॉब ओके सो so, सिम्टम्स की अगर हम बात करें सो लार्वे विल माइंड द मिड्रिप टू कॉज डेड हार्ट जो लार्वे है वो मिड्रिप के अंदर होल करेगा इस तरीके से और डेड हार्ट की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी यहां पर ये डेड हार्ट की इमेज है आपके सामने सेंट्रल शूट विथर्स ड्यू टू इंटरनल फीडिंग क्योंकि बोर फॉर्म करके ये अंदर की तरफ चला जाएगा ठीक है बोर होल्स इस तरीके से डेवलप होते हैं जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ऑल राइट और यंग जो लार्वा है वो किसके ऊपर क्रॉल करता है वो लीव्स के ऊपर क्रॉल करता है और उसी के ऊपर फीड करेगा एंड अल्टीमेटली शूट होल के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं लार्वा जो होता है इसका येलोइश ब्राउन होता है और हेड भी ब्राउन होता है और एडल्ट जो होता है वो स्ट्रॉ कलर जैसा आपका चावल का स्ट्रॉ होता है ना जो आपकी पराली होती है उस कलर का बेसिकली ये दिखता है यहाँ पर आपको उसका कलर भी दिख जाएगा ठीक है चलिए नो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो यूरिया बैग पहले बेटा पचास किलो का वो बोरा आता था बैग आता था लेकिन अब सरकार ने इसको पचास से कितना किलो कर दिया है सो नाउ दिस इज ऑप्शन ए फोर्टी फाइव के जी अब जो आपका यूरिया का बैग होता है ना वो फोर्टी फाइव के जी का होता है काफी पहले से ही सरकार ने किया हुआ है तो यूरिया जो है फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है एट अ नोटिफाइड जो सरकार बेसिकली प्राइस सेट करती है मैक्सिमम प्राइस सरकार सेट करती है कि इससे ऊपर आप यूरिया को नहीं भेज सकते ठीक है और करेंटली जो प्राइस सरकार ने सेट किया हुआ है 40 केजी के, के, के बैग का यूरिया के दैट इज 242 पर बैग अब देखो अगर वो ये पूछ सकता है कि थैले में वजन कितना होता है कि पहले 50 किलो का होता था कितने का हो गया तो आपको ये भी चेक करना रहेगा कि अल्टीमेटली वो 45 फाइव के के बैग का प्राइस क्या है जो सरकार सेट करती है ये सरकार टाइम टू टाइम रिवाइज भी कर सकती है अभी के लिए टू टू पर बैग है लेकिन अगर चेंज होता है तो फिर वो आपको करंट के अंदर मैनेज करना पड़ेगा ठीक है जी एंड एक्सक्लूसिव ऑफ चार्जेस्ट वर्ड्स नीम कोटिंग एंड टेक्सेज एज एप्लीकेबल तो बेसिकली 242 पर बैग के अंदर टैक्सेज और जो नीम कोटिंग अगर आप नीम कोटेड यूरिया लेते हो तो उसका प्राइस इंक्लूडेड नहीं है इसमें और right. और जो भी ये प्राइस है जो एक तो देखो जो कंपनी बना रही है उसको जो खर्चा आ रहा है ठीक है और अल्टीमेटली सरकार सब्सिडी रेट के ऊपर दे रही है तो जो बीच का प्राइस बच गया ना जो सस्ता सरकार दे रही है बेसिकली जो सब्सिडी है वो मैन्युफैक्चरर को दी जाएगी भारत सरकार डायरेक्टली उसको दे देगी सारे फार्मर्स को चाहे वो पुअर फार्मर्स हो मार्जिनल फार्मर्स हो रिच फार्मर्स हो जो भी हो उनको यूरिया जो है सब्सिडाइज रेट के ऊपर अभी प्रोवाइड किया जाता है उसके अलावा यूरिया के अलावा जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी करता है सरकार एक न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी भी चला रही है 2010 से जिसके अंदर फास्फोरस और पोटेशियम फर्टिलाइजर्स के लिए भी सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है ठीक है जी एनुअल बेसिस के ऊपर ये सब्सिडी डिसाइड की जाती है जो पी एंड के फर्टिलाइजर्स के ऊपर दी जाएगी अंडर दिस पॉलिसी अगेन एम आर पी जो है वो फिक्स कर दी जाएगी फर्टिलाइजर कंपनी के लिए और जो भी डिफरेंस होगा वो एज अ सब्सिडी सरकार पे करेगी ठीक है जी चलिए ऑल राइट गाइज सो दीज वर दाइव क्वेश्चन लेक्चर एंड द व्हाट्सएप नंबर इज दिस मेल इज दिस टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हो कमेंट में uh... पोस्ट कर सकते हो जो भी दिक्कत है डिस्कस करते रहना है जुड़े रहना है चैनल को शेयर जरूर करना बेटा चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टेल देन टेक केयर ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय